नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के बिलेरियागंज थाना पुलिस की बुधवार की भोर में अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इस घटना में D87 गैंग का मुखिया जहां पुलिस की गोली से घायल हो गया, वहीं दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल अपराधी सातिर गो तस्कर है, पुलिस ने उसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस व अपराधियों के पास से 850 रुपए नकदी बरामद किया है। SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बिलेरियागंज पुलिस बुधवार की भोर में नसीरपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सातिर अपराधी व गो तस्कर मोहम्मद दान नसीरपुर की तरफ से आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने नसीरपुर मोहम्मदपुर रोड पर बिलेरियागंज मोड़ के पास घेराबंदी कर बदमाशों के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में एक बाइक सवार दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरे को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। घायल बदमाश की पहचान D87 गैंग के मुखिया नौशाद निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलेरियागंज के रूप में की गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। वहीं पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सहनवाज निवासी नसीरपुर थाना बिलेरियागंज बताया। इनके पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा, कारतूस व 850 रुपए नकद बरामद किया है। ASP चिराग जैन ने बताया कि पुलिस की गोली से घायल नौशाद D87 गैंग का लीडर है और उस पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, वह थाने का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी भी है। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की खास रिपोर्ट। कल दिनांक 19 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 2 बजे शातिर गो तस्कर एवं हिस्ट्री शीटर नौशाद थाना बिलियागंज के अभियुक्त को थाना बिलियागंज की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि में लगभग 2 बजे थाना बिलियागंज की टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि गौतस्कर, शातिर गौतस्कर, हिस्ट्री शीटर और गैंग लीडर नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलियागंज, अपने साथी सहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलियागंज, दोनों जो कि शातिर गौतस्कर हैं, जिन पे पूर्व में भी लगभग 2020 से 15 मुकदमे और सहनवाज के ऊपर लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये दोनों फिर से योजना बना रहे हैं किसी गौतस्करी के संबंध में। इसमें सूचना प्राप्त कर नियमानुसार पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी को देखते हुए दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा में पुलिस ने अभियुक्तों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त नौशाद के बाएं पैर पर गोली लगी है, जिनको नियमानुसार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसके ऊपर फिर मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय से नियमानुसार रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।